मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी के, मुस्लिम समाज के लोगों की बेहतरी के लिए आवाज कभी नहीं उठाई, कभी भी नहीं उठाई। देखिए, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार से क्या बोलता है कि हमें कब्रिस्तान के लिए पैसा दिया जाए, हमारे कब्रिस्तान खूबसूरत बनाए जाए, अरबों अरबों रुपया, हम ज्ञान बापी संस्कृत कैसे हो सकता है? सबसे पहली पहली पहला सवाल है भाई, हमने बहुत बड़ी बड़ी जामा मस्जिद देखी है, टीपू सुल्तान मस्जिद देखी है, नूरी मस्जिद देखी है, हमने जितनी भी नाम मस्जिदों के सुने हैं वो कहीं ना कहीं किसी बादशाह, किसी मुगलिटी और डिस्प्यूट प्रॉपर्टी पर किसी भी धर्म की कोई भी चीज नहीं हो सकती है। तो ये मानेंगे नहीं ना, कैसे मानेंगे? ये मुसलमान मानेंगे नहीं, ये बड़े जिद्दी होते हैं, इनको पता है कि हम चिल्ला चिल्ला करके, देखिए मैं और आप डिबेट पर भी बैठते हैं तो हमारी आवाज को चुप करा देने के लिए, क्योंकि हम सच बोलेंगे तो हमारी आवाज को चुप करा देने के लिए दो चार लोग बहुत तेज, कोई कमीशन या कोई इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल से तो 85-84 नहीं, लाखों लाख बांग्लादेशी, रोहिंग्या, आपका लाहौरी, पेशावरी और पाकिस्तानी निकल जाएंगे। इवन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के अंदर से कुछ निश्चय बनी हुई है, जो कि कोर्ट में मामला अभी लंबित है और एएसआई सर्वे की का इंतजार किया जा रहा है, सर्वे में क्या सामने आएगा, और हालांकि उस पर रोक भी लगा दी गई थी, आगे क्या होने वाला है ये समय बताएगा, लेकिन इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। नाज़िया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू। नाज़िया जी, हमारे देश में अगर हिंदुओं के जो अहम तीन धर्म स्थान रहे जिनकी काफी चर्चा रही, चाहे हम राम जन्मभूमि की बात करें, कृष्ण जन्मभूमि या ज्ञानवापी, इस तरह के कई ऐसे तीन चार ऐसे जन्म स्थान है या बड़े धार्मिक स्थल है जिसको लेकर काफी लंबे वक्त से चर्चा या कहीं कोर्ट में मामला या बहस रहती है। आप जो अभी ज्ञानवापी वाला मुद्दा चल रहा है इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मस्जिदों का नाम ज्ञान बापी संस्कृत कैसे हो सकता है? सबसे पहली पहली पहला सवाल है भाई, हमने बहुत बड़ी बड़ी जामा मस्जिद देखी है, टीपू सुल्तान मस्जिद देखी है, नूरी मस्जिद देखी है, हमने जितनी भी नाम मस्जिदों के सुने हैं वो कहीं ना कहीं किसी बादशाह, किसी मुगल से टच करता हुआ या फिर कोई इस्लामिक वर्ड को टच करता हुआ नाम होता है। ज्ञान बापी मस्जिद तो हो ही नहीं, एक संस्कृत नाम एक मस्जिद का तो हो ही नहीं सकता है। 1984 तक उसमें पूजा चल रही थी, शिव जी की, महाशिव की पूजा हो रही थी जिसको अटकाया गया। देखिए, आज एक हमारे हिंदुस्तान में शुरू से एक ऐसी सरकार ने राज रचा जिन्होंने अपने वोट के लिए कई ऐसे मुसलमानों को गुंडागर्दी करने की पूरी अनुमति दी जो नहीं होना चाहिए था। मैं पूछना चाहती हूँ उन तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि अंबर मुझे लगता है कि ये सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म है आपका जहां पर मैं दिल खोल के बात कर सकती हूँ, मन खोल कर बात कर सकती हूँ बिना हिचकिचाहट के और बिना किसी रोक टोक के। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब एक हिंदू पश्चिम बंगाल में आजान देता है 21 जुलाई 2023 को, मात्र 6 दिन पहले, तब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ नहीं बोलता है? एक हिंदू ऑर्केस्ट्रा तबला सारंगी के साथ जब अजान देता है तब कुछ नहीं बोलता है? क्योंकि मुझे लगता है कि मुसलमान मर्दों को अजान देने से पहले पाक और साफ और वजू करना बहुत जरूरी होता है ना। जब यहाँ वेस्ट बंगाल में जब एक ब्राह्मण औरत चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जब ईद की नमाज में आकर के प्रोवोकेटिव और हेटरेट स्पीच देती हैं ईद की नमाज में, तब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड टूटता नहीं है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी ना नेशनल इश्यूज चाहिए होते हैं जिससे उनकी टीआरपी बढ़ सके और टीआरपी के बाद उनके फातिया और दुरूद का फीस बढ़ सके, मुझे ऐसा एहसास होता है। तो ज्ञानवापी जो वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है, जो स्ट्रक्चर अंदर पाए जा रहे हैं वो देवी देवताओं से रिलेटेड पाए जा रहे हैं। 1984 तक वहां महाशिव की पूजा हो रही थी। अच्छा, दूसरी चीज है, मान लीजिए एक बच्चे को लेकर के आज जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, कानून क्या बोलता है? बच्चे का डीएनए टेस्ट करा दो भैया, जिसका बच्चा है वो ले जाओ।
तो एएसआई जो है वो तो उसको डीएनए टेस्ट मान ले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी दाढ़ी टोपी वाले हैं जो लुंगी उठा उठा करके अभी नाच रहे हैं, इट्स बेटर कि हाँ भैया एएसआई की रिपोर्ट करवा दो। अगर आप इतने एडमेंट हैं और इतने इतना बिलीव है आपका कि नहीं वो ज्ञानवापी मस्जिद ही है, तो मुझे तो लगता है कि ये मुस्लिम पक्षों का कहना होना चाहिए कि हाँ एएसआई की रिपोर्ट होनी चाहिए और एएसआई का सर्वे होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल ये चीज मुस्लिम पक्षों को बोलना चाहिए, पर जिस तरह से मुस्लिम पक्ष जो है कभी सुप्रीम कोर्ट भाग रहा है, कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट भाग रहा है, तो कभी दिल्ली कोर्ट भाग रहा है, तो कभी दया याचिका डाल रहा है, तो कभी सप्लीमेंट्री पिटीशन डाल रहा है, कभी ह्यूमन राइट्स का सप्लीमेंट्री पिटीशन डाल रहा है, तो इससे तो ये चीज समझ में आ रही है ना कि जिस तरह से अयोध्या के राम मंदिर के वक्त में एएसआई का जो रिपोर्ट आया था उसके बाद राम मंदिर का निर्माण रखा गया, तो उसी तरीके से उनको ये बात पता चल चुकी है कि एएसआई का रिपोर्ट आएगा और हम एकदम फिका जाएंगे और मेरे पास कोई कोई भी बात रहेगी नहीं बोलने के लिए, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समझ में आ चुका है, बिल्कुल समझ में आ चुका है। देखिए अमर, मैं थोड़ा सा डिटेल में और बताऊंगी कि देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी के, मुस्लिम समाज के लोगों की बेहतरी के लिए आवाज कभी नहीं उठाई, कभी भी नहीं उठाई। देखिए ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार से क्या बोलता है कि हमें कब्रिस्तान के लिए पैसा दिया जाए, हमारे कब्रिस्तान खूबसूरत बनाए जाए, अरबों अरबों रुपया अखिलेश की सरकार के वक्त भी अरबों अरबों रुपया कब्रिस्तान के लिए दिए जाते थे, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी जब से श्रीमती ममता बनर्जी आई हैं अरबों अरबों रुपया कब्रिस्तान के लिए दिया जाता है। भाई मुझे सेंस नहीं समझ में आता है कि जो कब्रिस्तान में कब्र में सोया है ना, उसने रोड पर आकर के अपना मुस्तकबिल बनाना है और ना हम में से कोई कब्रिस्तान के अंदर जाकर के अपना ऑफिस और अपना कोई प्रोफेशन खोलना है। तो फिर एक ऐसी जगह जो जिसको जिसमें जाने वाला आता नहीं है और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता है, तो ऐसी जगह पर अरबों रुपया खर्च करने का मतलब क्या होता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक इस पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं कहा कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिसमें हमारे हमारे मुसलमान बच्चियां जो है वो तालीम याफ्ता हो, अकेडमिक भी और दीनी तालीम भी उनको मिलती रहे, नहीं किया। देखिए सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस ने एक ऐसी कानून बनाई कि भाई मस्जिद और अपना घर छोड़ करके तुम अगर रोड पर नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे ऊपर एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या यहाँ पर नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में? भाई हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम लोग इंडियन पिनल कोड के मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान के दायरे में अपने आप को, हर दाढ़ी टोपी वाला कहता है कि हम लॉ अवॉइडिंग सिटीजन है, तो भाई तुम्हारे से ज्यादा बड़ा तुम बड़े मुसलमान हो कि सऊदी अरबिया के लोग बड़े मुसलमान? सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस ने बताया कि भाई कोई भी लाउड स्पीकर में अजान नहीं हो, आपको आपको जो जो कानूनी तरीके से जो आपको दायरा दिया गया है वहीं तक आप लाउड स्पीकर यूज करेंगे, बैन कराया सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस ने। यहाँ पर बात उठती है तो कह दिया जाता है कि भाई इस्लाम खतरे में है। तो ये चीजों पर डिस्कस करना अंबर हम जैसे पढ़े लिखे लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है ताकि 10 लोग हमारे इस कॉन्वर्सेशन को देखें, कन्फ्रंटेशन को देखें, तो उनके उनको भी ये बुद्धियां खुले कि भाई आप किस बारे में बात कर रहे हैं और क्यों बेतुकी बातें कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, 1861 से इस एएसआई को इसलिए स्थापित किया गया, इसलिए बनाया गया ताकि जितने भी कल्चरल और हेरिटेज चीजें हैं उसको प्रोटेक्शन दिया जा सके। बहुत खूबसूरत है भाई, अगर आपको एएसआई से इतनी दिक्कत थी तो आपने 1861 के बाद क्यों नहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई स्टेप उठाया कि भाई हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसकी इसको मान्यता ही नहीं देंगे? आज तक कोई पिटीशन नहीं आया था। उसके बाद राम मंदिर वाले पूरे सिनेरियो के बाद एक डेकेड तक उस केस को लड़ा गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मान्यता दी और उनके सारे पिटीशंस को बगौर सुना चीफ जस्टिस के बेंच ने, कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर गया, कई बार चीफ जस्टिस बेंच पर आया, कभी थर्ड बेंच पर गया, लेकिन बगौर हर एक बेंच ने राम मंदिर वाले अयोध्या मैटर को सुना था और तब जाकर के वर्डिक्ट आया। फिर आज मुसलमान जो खुद को न्यूज चैनल पर बैठकर कहते हैं कि नहीं हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वो ब्लैक डे क्यों मनाते हैं? उसकी वजह बता दे मुझे फिर। अगर या तो आप संविधान मान लीजिए
और या तो फिर ये नौटंकी बंद कर दीजिए, दो में से कोई एक काम तो आपको करना पड़ेगा। और जी आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं एक सवाल रखूंगी आपके सामने। जी अब आती है बात कि ये जो जितने भी मुसलमान के ठेकेदार बने हैं, ये अपने अपने जगह पर अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से संविधान और इंडियन पेनल कोड मानते हैं और अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से फिर शरिया लॉ पर कूद जाते हैं। भाई अगर आपको वाकई में इस्लाम से और शरिया से इतनी मोहब्बत है तो जितने मुसलमान बलात्कारी हिंदुस्तान की जेल में हैं और जो रेमिशन ग्राउंड में बाहर आए हैं उनको शरिया के हिसाब से सजा दे दीजिए। चलिए दीजिए, मैं मान लूंगी, एक PIL फाइल कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी मुसलमान के ठेकेदार है वो PIL फाइल करें कि भाई हम मुसलमान हम बिस्मिल्ला करेंगे कि मुसलमान बलात्कारियों को हम शरिया के हिसाब से हम सजा देंगे। तब तो कहते हैं कि कानून फैसला करेगा, कानून तय करेगा, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं बेल की संभावना तो हो ही जाती है। जी अच्छा नाजिया, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम संविधान से अलग भी बात करें तो कोई भी लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी होती है झगड़े की, कब्जे की, ऐसे किसी भी जगह पर मस्जिद को हम नहीं बना सकते, वहां पर इबादत नहीं हो सकती, तो उस ग्राउंड पे भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि वॉलेंटरली इस जगह पर नमाज को पढ़ना रोक देना चाहिए था, या इस तरह के जितनी भी प्लेसेस थे जिनको ऑक्यूपाई किया गया था उनको खुद से मुसलमानों को छोड़ना चाहिए था, ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मुसलमानों को करना चाहिए था इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैंने जैसा कि आपको अमर बताया कि 1984 में वहां पर महाशिव की पूजा हो रही थी, ठीक है, बजाबते पूरे तरीके से महाशिव जी की पूजा हो रही थी। अब आता है कि 1985 जो है उसके बाद वर्शिप एक्ट आया 1991, ठीक है, इंक्रोचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और डिस्प्यूट प्रॉपर्टी पर किसी भी धर्म की कोई भी चीज नहीं हो सकती है। तो ये मानेंगे नहीं ना, कैसे मानेंगे, ये मुसलमान मानेंगे नहीं, ये बड़े जिद्दी होते हैं, इनको पता है कि हम चिल्ला चिल्ला करके, देखिए मैं और आप डिबेट पर भी बैठते हैं तो हमारी आवाज को चुप करा देने के लिए, क्योंकि हम सच बोलेंगे तो हमारी आवाज को चुप करा देने के लिए दो चार लोग बहुत तेज बोलते हैं, कंटिन्यूड बोलते रहते हैं ताकि हम चुप हो जाए, वो तो हम लोग स्टॉप बढ़ने के हम लोग चुप नहीं होते। तो इस्लाम भी यही कहता है कि अगर कोई कोई जगह जो है वो डिस्प्यूटेड है तो उस पर हम नमाज नहीं पढ़ सकते। तो आप ना इस्लाम मान रहे हैं, ना आप कुरान मान रहे हैं, ना आप अपनी लिखी हुई खुद की लिखी हुई दो चार जो लोगों ने जो लिख दिया है हदीस, ना उसको मान रहे हैं और ना संविधान मानने को तैयार है। अब मैं आती हूँ कि इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। देखिए मुसलमानों ने कि हम कहते हैं ना अपने लीगल लैंग्वेज में कि चोर जितनी भी चोरी कर ले एक ना एक सुराख तो छोड़ ही देता है, तो उसी तरीके से ये मुसलमानों ने अपने बात को ही कॉन्ट्राडिक्टरी कर दिया है। आप इस्लामिक हिस्ट्री उठा लीजिए, आप जितने भी उर्दू स्कूल में हिस्ट्री की किताब है आप उसमें उठाइए जिसमें ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने 46,000 हिंदुओं को एक साथ एक तलवार से मारा था और उसने बे इंतहा अनकाउंटेबल औरंगजेब ने हिंदुओं के घरों की लूटपाट की थी और उसका जो वजीर हुआ करता था वो दूसरे घोड़े पर एक संदूक लेकर के घूमता था और जिस जिस हिंदू के घरों को लूटपाट करता था उसका सोना चांदी जेवर वो उस संदूक में लेकर के रिटर्न आ जाता था। ये सारे उर्दू स्कूल के हिस्ट्री की किताब में है, ये इस्लामिक हिस्ट्री में है। तब इनको क्या लगा कि हम बहुत बड़ी बात बता रहे हैं अपने मुगल बादशाह के, हम औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं कि वो कितना ताकतवर था कि उसने एक ही तलवार से 46,000 हिंदुओं का सर खलम कर दिया। उनको ये नहीं पता था कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसे एडुकेटेड और काबिल लोग आएंगे जो ये पूछेंगे कि कत्ल करने का मतलब मर्डरर होता है और लूट करने का मतलब डकैती होती है और कब्जा करने का मतलब इंक्रोचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होती है। जो औरंगजेब ने वाकई में किया है तो ज्ञानवापी जो है ये उसी का औरंगजेब का लूटा पाटा हुआ है। अदरवाइज मैंने पहले ही कह दिया कि एक संस्कृत वर्ड की मस्जिद हो कैसे सकती है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना जी। तो अभी मैं थोड़ा सा और बोल देती हूँ कि क्यों मुस्लिम कम्युनिटी बर्बाद है, क्योंकि बचपन से मदरसे में सिखाया जाता है हिंदू काफिर, आप ये कीजिएगा, आप हिंदुओं को कन्वर्ट कराइएगा तो आपको जन्नत में 72 वर्जिन गूर मिलेगी। उसके बाद फिर हम जब एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए उर्दू स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है नवाब वाजिद अली शाह की 365 बीवी थी,
तो अकबर और बाबर की जो अनारकली थी, तो शाहजहां ने ताजमहल बना दिया, भैया था शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया और उसी शाहजहां ने मुमताज की छोटी बहन और बड़ी बहन से भी निकाह रचाया था। तो जो इतिहास हिस्ट्री अपने खुद का बादशाहों की अय्याशी का, मुगल बादशाहों की अय्याशी का खुद का पोल पट्टा खोल रहा है, उसके लिए आप दूसरे को अलेस्ट कैसे कर सकते हैं और दूसरे को आप गुनाहगार कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि सनातन धर्म इसलिए खूबसूरत है क्योंकि हमने द ग्रेट अशोका की हिस्ट्री में पढ़ी, हमने तो नहीं देखा कि उनकी अय्याशी के बारे में बताई गई है। हिंदू सनातन धर्म में देवी और देवियों की पूजा की जाती है, उनके चरणों पे फूल चढ़ाया जाता है, ये बचपन से सनातनी और हिंदुओं को बताया जाता है। तो जाहिर सी बात है ना कि उनकी अपब्रिंगिंग तो वैसे ही हो जाएगी ना। और हमारे मुसलमान में बचपन से बताया जाता है कि चार शादी सुनना है, हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद की 6 बीवियां थी, हिंद नाम था छठी बीवी का। वो आप जहां जहां पर टारगेटेड होते हैं वहां पर आप सच्चाई भी छुपा देते हैं, कुरान की बात भी छुपा देते हैं, तो ये कहां से कितने दिन तक चल पाएगा? ये स्ट्रैटेजी, ये डायबॉलिक माइंड कितने दिन तक चल पाएगी? चीजें तो खुलकर सामने आएंगी जी। नाजिया, बस एक और सवाल मेरा आपसे कि आजकल एक मुद्दा और चल रहा है जो कि उत्तर प्रदेश में एक अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, और उस अभियान के तहत 74 से भी ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान पकड़े गए हैं जो अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे थे। और ये अभियान अगर हम बात करें तो मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद और यूपी के अलग अलग शहरों में चलाया गया, और दावा ये है कि कई हजार इस तरह के लोग छुपे हुए जो अवैध घुसपैठ करके उत्तर प्रदेश में रहे। हालांकि वेस्ट बंगाल में भी रोहिंग्या मुसलमानों जो अवैध रूप से रहते हैं उनका एक बड़ा अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो वहां पर मौजूद है, दिल्ली, इनफैक्ट कश्मीर, देश के कई सारे राज्यों में ये अवैध रूप से हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल से आती हैं, और इस पूरे मामले पे क्या आपका पूरा टेक है? देखिए, अब 1.5 साल जैसे ही एनआरसी और सीए की बात हुई थी और 311 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोटिंग पर सीएए को लागू किया गया था, तो उसके बाद से लेकर के 2.25 साल तक वेस्ट बंगाल में एनआरसी और सीए के अगेंस्ट में पूरा कैंप चला था। अभी भी ये क्वेश्चन मार्क है और डाउटफुल है कि ये 1.5 साल जो कैंप चलाया गया है पूरे वेस्ट बंगाल में, इसकी फंडिंग कहाँ से आई, इसको फंड किसने किया है? 10 लोगों को लेकर के 5 दिन कैंप चलाना मुंह की बात नहीं होती है, यहाँ पर लाखों लोगों को लेकर के पश्चिम बंगाल में एनआरसी और सीए का कैंप चलाया गया है, और जिस नेता ने चलाया है, जावेद अहमद खान ने, उनके सिटीजनशिप खुद डाउटफुल है, बिल्कुल डाउटफुल है। दूसरी बात मैं कहती हूँ कि जिस तृणमूल कांग्रेस के मंत्री जावेद अहमद खान ने इस एनआरसी और सीए का कैंप सबसे ज्यादा 1.5 साल 2 साल चलाया, उनके कई नजदीकी लोग हर रोज नेपाल बॉर्डर और ऐसी जगहों पर आना जाना करते रहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी सीमा गुलाम हैदर भी नेपाल बॉर्डर से आई। तो आपने जो अभी यूपी की बात कही है, 75 से उसका आंकड़ा 84 पर हो गया है, ये अभी मैं 1 घंटे पहले का डिटेल आपको दे रही हूँ। 84 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, और देखिए इनकी हटगर्मी देखिए कि गुज्जी झोपड़ी से उठ करके इन्होंने पक्के मकान भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और जैसे ही बिल्कुल आइडेंटिटी प्रूफ मांगा गया तब इनका टाइटा फूस हो गया। तो उसी तरीके से अगर सेंट्रल की तरफ से कोई कमीशन या कोई इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अगर आ जाए, तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल से तो 85-84 नहीं, लाखों लाख बांग्लादेशी, रोहिंग्या, आपका लाहौरी, पेशावरी और पाकिस्तानी निकल जाएंगे। इवन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के अंदर से कुछ नेता हैं जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और लाहौरी निकल जाएंगे। हम देखिए, ये वही ममता बनर्जी हैं अंबर, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर के मुंह पर पेपर फेंक करके मारा था कि एनआरसी करो, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट ने बहुत सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को वोट अपना वोटर बना दिया है, एनआरसी होने से वो सब के सब निकलेंगे, तभी हम लोग इलेक्शन को फेयर समझेंगे। ये श्रीमती ममता बनर्जी का बयान था और पार्लियामेंट के अंदर था, और आज वही श्रीमती ममता बनर्जी एनआरसी और सीए की विरोधिता ईद की नमाज के मंच से करती है, ईद की नमाज के दिन करती है, ईद की नमाज के वक्त करती है, और उनके मुसलमान नेता मंत्री 2.5 साल एनआरसी और सीए की विरोधिता पे कैंप करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से योगी सरकार के द्वारा
इतना खूबसूरत एक कार्रवाई, एक कानूनी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऐसी नहीं है, इसलिए इतनी लॉ को इतना कानून को नहीं मानती है, तो इसलिए सेंट्रल को इस चीज पर एक्टिव होना चाहिए और इमीडिएट एक जांच कमेटी को बिठा करके, बना करके यहाँ पर तकरीबन 100 लोगों की जांच कमेटी भेजनी चाहिए, ताकि पश्चिम बंगाल में जितने भी रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, लाहौरी मुसलमान है, उनको उनका बिल्कुल भी हिजाब जो है वो चेहरे से, मुख से हट जाए और लोगों को सत्य समझ में आए। बिल्कुल नाजिया, आपने एकदम सही कहा है, क्योंकि अगर हम अवैध घुसपैठियों की बात करें तो ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और देश के कई राज्यों में इनकी बड़ी संख्या पाई जाती है, जिसमें से वेस्ट बंगाल है, कश्मीर है, उत्तर प्रदेश या फिर हम उत्तराखंड की बात करें, झारखंड, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, यहाँ तक कि हम नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरह के लोगों की घुसपैठ अवैध तरीके से देखते हैं, जो भारत के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। हालांकि वो बात अलग है कि बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि इंसानियत के नाते इनको शरण देनी चाहिए।